नमस्कार आप सभी को, मैं हूं प्रदीप और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से अपने पेन ड्राइव को आप बूटेबल बना सकते हैं। और सिर्फ बूटेबल ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पेन ड्राइव में, यदि आप विंडोज़ के कोई, चाहे वो विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 8 हो, विंडोज़ XP हो, विंडोज़ 10 हो, आप इनको कैसे बूटेबल बना सकते हो अपने पेन ड्राइव में, ताकि जब कभी भी यदि आप फॉर्मेट करना चाहते हो अपने सिस्टम को, तो पेन ड्राइव आप इंसर्ट करोगे और आपका जो है पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगा, ऑटो डिटेक्ट करेगा और अपने सिस्टम को आप फॉर्मेट कर सकते हो। आइए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको इसके लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहले तो आपके पास जिस किसी विंडोज़ को आप अपने पेन ड्राइव में बूटेबल करना चाहते हैं, उसका ISO इमेज होना चाहिए, चाहे वो विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 8 हो, विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ XP हो, इनका आपके पास ISO इमेज होना चाहिए। यह कहाँ से मिलेगा, यह मैं आपको लास्ट में या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप क्लिक करके और जो भी विंडोज़ आप चाहते हैं उसे आप जाके अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं, उसका ISO इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपके पास है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो विंडोज़ का आपके पास ISO इमेज होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास अल्ट्रा ISO का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अल्ट्रा ISO एक सॉफ्टवेयर है जो बूटेबल बनाने के लिए, बर्न करने के लिए डिस्क को, इन सब चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा, आपके पास पेन ड्राइव हो। आइए ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं और हम प्रारंभ करते हैं अपने सिस्टम को बूटेबल करने के लिए। मेरे पास विंडोज 7 का ISO इमेज है, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ISO इमेज है मेरे पास। और ये जो है इसको हम पेन ड्राइव में बूटेबल करेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर जो है ये मेरा पेन ड्राइव है, पहले से ही ये बूटेबल बना हुआ है, मैं इसे फॉर्मेट कर दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले काम है कि अपने पेन ड्राइव को आप फॉर्मेट करेंगे। मैंने पेन ड्राइव को पहले से लगाया हुआ है, मैं इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ। मैं गया और मैंने इसे फॉर्मेट कर दिया। आप जब फॉर्मेट करने के बाद आपको अब मेरे पेन ड्राइव में जो है कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे कि जो आप ISO इमेज है आपका, ISO इमेज जो है आपका ये रहा, उसे आप राइट क्लिक करें, ओपन विद में जाएं और जो मैंने आपको बताया था अल्ट्रा ISO का जो सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर पर आप ओपन विद करके, और वो आपके में इंस्टॉल रहेगा तो ओपन विद में आप उसे देख पाएंगे। आप उसे ओपन कर लें। जैसे आप ओपन करेंगे, वेलकम का एक पेज आता है, इसमें आप कंटिन्यू टू ट्रे पर क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो ISO में जितने फाइल्स थे वो सारे के सारे फाइल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये सारे फाइल्स उसी ISO इमेज के अंदर थे जो विंडोज 7 के हैं। अब आपको करना क्या है कि ऊपर ये तमाम मेन्यू दिए गए हैं, फाइल, एक्शन, बूटेबल, टूल्स, ऑप्शन, इनमें से आप बूटेबल वाले ऑप्शन पे आएँ और यहाँ पर नीचे जो है राइट डेस्क इमेज पर आप क्लिक कर दें। आपको यस और नो पूछता है, आप यस करें। यस करते ही आपके सामने ये पेज आएगा, राइट डेस्क इमेज, इसमें से कुछ भी चेंज नहीं करना है। आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका जो पेन ड्राइव है, मेरा पेन ड्राइव सैंडिस्क का है, पेन ड्राइव जो है यहाँ पर अपडेट हो जाता है, अपलोड हो जाता है, डिटेक्ट कर लेता है। अब नीचे राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। राइट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक मैसेज आएगा कंटिन्यू करने के लिए, यस करिए और ये देखिए आपका पेन ड्राइव बूटेबल बन रहा है। इसके लिए कुल आपको कितने मिनट देने पड़ेंगे, मेरे पास यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 9 मिनट है। ये जैसे ही पूरे समय कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद से आप पाएंगे कि आपका जो है डिस्क बूटेबल हो चुका है और उसको जो है फॉर्मेट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से आप अपने किसी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। आइए हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके पास ये अल्ट्रा का ISO, अल्ट्रा ISO सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसे आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, ये सॉफ्टवेयर कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। आप जाएं और ये एक वेबसाइट है egvsystems.com, आप इस पे जाएं और इस पे आप जाएंगे, ये लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमारे स्क्रीन पर आपको ये लिंक दिख रहा होगा। उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है इस पे, ये एशिया में अगर आप हैं तो आप ये पहला ऑप्शन पे आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन, हालांकि मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है, आप इसे डाउनलोड करेंगे और ये आपके में डाउनलोड होने लगेगा। ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं होती है, 4 MB के है लगभग, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और उसे फिर आप इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा तो ये होता कैसा है मैं आपको दिखा दूँ।
ये ऐसे ही आपका ये आएगा, ठीक है। ट्रायल वर्जन होता है इसका, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बूटेबल बनने के बाद से आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे बूटेबल हो जाएगा आप यहाँ पर कट कर दीजिएगा, नीचे भी ऑप्शंस होते हैं उन्हें भी आप कट कर दीजिएगा, और फिर जो है ये इसे कट करिएगा, उसके बाद से आप इस पेज को कट कर दीजिएगा। फिर आप अपने पेन ड्राइव को जाएंगे देखेंगे, फिलहाल मेरा पेन ड्राइव शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये बूटेबल इसमें हो रहा है, तो बूटेबल होने के बाद से ये बूटेबल दिखने लगेगा। और इस प्रकार से जो है आप अपने पेन ड्राइव को आसानी से बूटेबल बना सकते हैं अल्ट्रा ISO के द्वारा आसानी से कम समय में। भाई देखते हैं कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है हमारा, लगभग जो है हमें कुल 5 मिनट समय देना पड़ेगा, 5 मिनट समय देने के बाद से हमारा पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगा। और ये प्रक्रिया है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो आपने जो अगर आप ये अल्ट्रा ISO की जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड करने के लिए मैं वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, प्लस आप जो अगर ISO इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।